ये है किडनी, किडनी में हाइपरट्रॉफी है, ये किडनी है, ये हाइपरट्रॉफी है, ये विसरल गाउट दिख रहे हैं, तो ये डिजीज होगी आईबी और आईबीडी। ठीक है, किडनी है, विसरल गाउट है, आईबी और आईबीडी डिजीज है। और ये है लीवर, लीवर बिग लीवर कंडीशन है, ये एवियन ल्यूकोसिस कॉम्प्लेक्स की है। ठीक है, और इसमें वो मैक्सिलरी मैक्सिकोलरी अपीयरेंस है। ठीक है, और ये वाली ये भी किडनी है जो हमने फर्स्ट स्पेसिमेन देखी थी, सेम है, नोडुलर अपीयरेंस है किडनी में, और विसरल गाउट कंडीशन है, हाइपरट्रॉफी हो रखी है, और आईबी और आईबीडी में है। और ये है एग ड्रॉप सिंड्रोम, जो डायलेटेड ओविडक्ट है उसमें ये है एग ड्रॉप सिंड्रोम। ठीक है, और ये मीन्स एग का साइज ज़्यादा हो गया उसकी वजह से भी, या फिर फ्लूड फील्ड होने की वजह से भी जो ओविडक्ट है वो डायलेट होगी। ठीक है, और ये है इंटेस्टाइनल कोक्सिडियोसिस, इसमें क्या है बैलोनिंग ऑफ इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइनल कोक्सिडियोसिस है, और इसमें क्या हो जाएगा नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, ये कोक्सिडियोसिस में रहेगी। और ये है ऑस्टियोपेट्रोसिस, नॉन ट्यूमरस कंडीशन है, ऑस्टियोपेट्रोसिस ये मिलेगी एवियन ल्यूकोसिस कॉम्प्लेक्स में ही। ठीक है, और इसमें जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और मीन्स नॉन ट्यूमरस कंडीशन है, थिकनिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। ये है पैरास्टिक एंट्राइटिस, ये है एस्केरिया गैलाई पैरासाइट है उसकी वजह से, एस्केरिया गैलाई पैरासाइट है उसकी वजह से है, टेपरिंग एंड है, और ये मेरे पोल्ट्री में मिलेगा। ठीक है, एस्केरिया पोल्ट्री। और जो ये वाला है ओवेरियन ट्यूमर ALC और मैरिक्स डिजीज़ है उसका डायग्राम है ये। ठीक है, ये ओवेरियन ट्यूमर दिख रहे हैं। ठीक है, और ये वाला भी कोक्सिडियोसिस है, ये इसके अंदर जैसे लूमन ये अंदर ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा रखा है, इसके अंदर हेमरेजेस हैं, और इसके अंदर हेमरेजेस हैं, और इसके अंदर नेक्रोटिक मास भी दिखेगा, और हेमरेजेस और नेक्रोटिक मास है, कोक्सिडियोसिस का डायग्राम है। और ये है माइकोटिक निमोनिया, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एस्परजिलोसिस की वजह से है, जो अगर हम देखें लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड ये हार्ट दिख रहा है, अगर राइट साइड देखें तो ये लंग्स दिख रहे हैं। ठीक है, और मेनली ये एस्परजिलोसिस की वजह से है। ठीक है, माइकोटिक निमोनिया, ये भी ऑस्टियोपेट्रोसिस है जस्ट लाइक एज वी डिस्कस अर्लियर। और ये वाला है सिकल कोक्सिडियोसिस है, इसके अंदर हमें दिखेगी बैलूनिंग दिखेगी। ठीक है, बैलूनिंग दिखेगी, नेक्रोटिक मास दिखेगा, और इसके अंदर अगर हम देखें तो डॉट डॉट दिखेंगे, वो ब्लड क्लॉट्स दिखेंगे। ठीक है, जैसे ये इसमें दिखा रखें डायग्राम में। और ये वाला भी बिग लीवर कंडीशन है, जो हमने पहले पढ़ी एवियन ल्यूकोसिस कॉम्प्लेक्स में दिखेगी, बिग लीवर कंडीशन है। ठीक है, और ये है डिप्थेरेटिक एंट्राइटिस, ये NCD में मिलेगी, डिप्थेरेटिक एंट्राइटिस, इसके अंदर ये हेमरेजेज हमें दिखेंगी, और ये थोड़ा जस्ट लाइक श्रिंकेज दिखेगी। ठीक है, और ये है इमेच्योर एग की वजह से, ये इमेच्योर एग की वजह से इंपैक्टेड ओविडक्ट पोल्ट्री। ठीक है, पोल्ट्री में इंपैक्टेड ओविडक्ट का डायग्राम है, इमेच्योर एग्स की वजह से दिखेगा। ठीक है, सारे इकट्ठे हो रखे हैं, ये इंपैक्टेड कंडीशन है। और ये वाला है टेपोम, ये टेपोम का डायग्राम है, टेपोम मेनली डिवाइनिया और रेलेंटिना। ठीक है, ये दो टेपोम है मेनली, इनकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो होगा टेपोम। ठीक है, इंटेस्टाइन में। और ये है माइकोटोक्सिन में हमें क्या दिखेगा, ये इसके अंदर अल्सर दिख रहा है, जैसे ये वाला पोर्शन में अल्सर दिख रहा है। ठीक है, T2 टोक्सिन की वजह से। ठीक है, और ये माइकोटोक्सिन है, इसकी वजह से अल्सर दिखेगा। ठीक है, और ये वाली जस्ट हमने पहले बताया था, बिग लेवल कंडीशन है। ठीक है, और ये वाला इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये वाला इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये है थिकनिंग ऑफ सियाटिक नर्व। ठीक है, सियाटिक नर्व 2 से 3 टाइम थिकन हो जाएगी। ठीक है, थिकन हो जाएगी सियाटिक नर्व, पहले तो जैसे ये जैसे डायग्राम दिखा हुआ है, नॉर्मल नर्व के ऊपर ऐसे स्ट्राइशंस होते हैं, फिर अगर ये इन्फेक्शन हो गया मीन्स थिकनिंग ऑफ सियाटिक नर्व होगी तो स्ट्राइशंस ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, मैरिक्स डिजीज़ है। ठीक है, मैरिक्स डिजीज़ है, ठीक है, थिकनिंग ऑफ सियाटिक नर्व मैरिक्स डिजीज़ है। और ये वाला भी कोक्सिडियोसिस का डायग्राम है, बैलूनिंग है, और इसके अंदर हेमरेजेस दिखेगी। ठीक है, सिकल कोक्सिडियोसिस है ये वाली। ठीक है, और ये वाली भी मैरिक्स डिजीज़ है, ये इसके अंदर फॉलिकुलर्स दिख रहे हैं, ट्यूमर दिख रहे हैं, ओवरी के ऊपर ट्यूमर्स दिख रहे हैं। ठीक है, और ट्यूमर्स दिख रहे हैं, फॉलिकुलर ग्रोथ है। और ये दिख रहा है, ये है फेरेंक्स का डायग्राम है। ठीक है, फेरेंक्स में विटामिन ए डेफिशिएंसी कारण होता है, न्यूट्रिशनल राउट बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, क्योंकि विटामिन ए डेफिशिएंसी कारण मेटाप्लेसिया हो जाएगा, जो भी सिक्रीशंस निकलेंगे वो बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो नोडुलर ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, रेज्ड नोडुल ऑन द म्यूकोसा ऑफ अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये है, ये वाली भी बिग लीवर कंडीशन है। ठीक है, बिग लीवर कंडीशन जैसे हमने पहले डिस्कस किया। और ये है एडिनोमा, ये ओवरी का एडिनोमा है, मीन्स कैंसर है, ये सिस्ट बने हुए है। ठीक है, ओवरी की पोल्ट्री का डायग्राम है, सिस्ट बने हुए एडिनोमा ओवरी पोल्ट्री। ठीक है, और ये भी मैरिक्स डिजीज़ का डायग्राम है, ओवरी के ऊपर नोडुल्स बने हुए हैं। ठीक है, नोडुलर ग्रोथ है। ठीक है, जैसे पैथोलिसिस किया।
और ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये पोक्स डिजीज का डायग्राम है। तो इसके अंदर हमें बोलिंजर बॉडीज दिखेंगे, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बोलिंजर बॉडी जो पोक्स डिजीज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। और ये इसके अंदर हमें टर्की पोक्स का डायग्राम है, क्रस्ट फॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। जो ये वाला ब्लूज दिख रहा है इसकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। और ये वाला भी है जैसे ये हाइड्रोपेरिकार्डियम डायग्राम है, ठीक है, और लीवर पे नोड्यूल्स दिखे गए हैं, ठीक है, और हाइड्रोपेरिकार्डियम का डायग्राम है। ये भी विटामिन ए डेफिशिएंसी कारण है। इसके अंदर ये जो हम कह सकते हैं फेरेंग्स का पार्ट, इस पर डॉट डॉट दिखे हुए हैं, जस्ट लाइक सीव लाइक अपीयरेंस दिख रही है, ठीक है, और ये विटामिन ए डेफिशिएंसी कारण है। और ये वाला क्वेल का डायग्राम है, इसके अंदर ये थ्रस दिख रही है, ठीक है, और ये कैंडिडिएसिस कारण है, ठीक है, कैंडिडिएसिस कारण थ्रस दिख रही है, क्वेल का डायग्राम है, ठीक है, क्रॉप रीजन ले रखा है, ठीक है। और ये वाली है एनसीडी का डायग्राम है, ठीक है, रानीखेत डिजीज का डायग्राम है, इसमें नेक्रोटिक एंट्राइटिस दिख रही है हमें, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर नेक्रोसिस दिख रही है और हेमरेजिस भी दिख रही है, ठीक है।